राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमरूद का पौधा आप जो एयरलेयरिंग द्वारा तैयार है, गोटी विधि द्वारा तैयार है, उसको किस प्रकार लगाएं अपने ग्रो बैग में या आप अपने पॉट में। तो ये आप हमारा जो पौधा देख सकते हैं, ये हमारा एयरलेयरिंग द्वारा तैयार अमरूद का पौधा है और आप इसमें रूट देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी जो जड़ें इसमें निकल कर आ गई हैं। तो ये हमारा जो एयर लेयरिंग द्वारा तैयार अमरूद का पौधा है, ये लगभग हमारा 40 दिन में तैयार हो गया है और इसकी हाइट अभी से लगभग 4 फीट की है, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है और इसमें जड़ें जो कम हैं तो इसको पोषण की मात्रा भी ज़्यादा होगी, तो उसके लिए हम इसकी ऊपर से हल्की सी प्रूनिंग कर देंगे, जैसा कि यहाँ से हम इसको काट देंगे। इस प्रकार आप अमरूद का पौधा लें और एयरलेयरिंग द्वारा जो तैयार किया हुआ पौधा आप घर पर किस प्रकार लगाएं, कैसे लगाएं, तो उसी की जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। ऊपर अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप जो आपने एयरलेयरिंग द्वारा तैयार अमरूद का पौधा है उसको लें, उसके बाद या आप ग्रो बैग में या फिर आप किसी पोलोथीन में या फिर आप प्लास्टिक की किसी बाल्टी में या किसी भी पात्र में लगाना चाहते हैं, गमले में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ड्रेनेज होल आप अवश्य कर लें, जैसे कि इस प्रकार हमने इसमें कर लिए। मिश्रण की बात करें, मिट्टी कैसी लेनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर गोबर की खाद ली है 50%, 25% हमने यहाँ पर ली है जो बजरी होती है, नदी की रेत हुए, और उसी के साथ साथ हमने 25% अपने गार्डन सोइल ली, यानी अपनी मिट्टी ली। इसको हम इसमें भरते हैं। तो आइए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, किस प्रकार आप लगाएं, जो आप एयरलेयरिंग द्वारा तैयार जो अमरूद का पौधा लगाते हैं वह आपका सूख जाता है, लेकिन ये पौधा आपका नहीं सूखेगा। इस प्रकार आप आधी सी जो बाल्टी अपनी मिट्टी की भर लें और सावधानी पूर्वक जो आपने एयरलेयरिंग द्वारा तैयार किया हुआ है अपना पौधा, उसकी जो आपने बंधाई की है उसको आप खोल लें। इस प्रकार आप इनको खोल लें। साथ ही साथ आप वीडियो पर अंत तक बने रहें दोस्तों। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं सिर्फ इसी प्रकार के उद्देश्य से बना रहे हैं कि आप भी एयरलेयरिंग द्वारा जो पौधा तैयार करते हैं उसको किस प्रकार लगाएं और आप सूखने से किस प्रकार उसको बचाएं, तो उसके लिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। जैसा कि ये हमारा पौधा है और ये हो गया है तैयार, अब हम इसको लगा रहे हैं। ध्यान रखें कि जो आपकी ये गोटी है जो ये हमने कोकोपीट से तैयार की थी जो एयरलेयरिंग है, तो इसको इस प्रकार लगाएं कि ये नहीं टूटे। यदि रूट टूट गई इसी के साथ साथ तो आपका पौधा सूख जाएगा। इस प्रकार इसके चारों तरफ आप जो आपने मिक्सचर तैयार किया हुआ है इसको भर दें। वीडियो पर अंत तक बने रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एयरलेयरिंग द्वारा आप अमरूद का पौधा गोटी विधि द्वारा किस प्रकार तैयार करें, तो उसकी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेशन में, वहां पर आपको हम बताएंगे एयरलेयरिंग द्वारा आप अमरूद का पौधा किस प्रकार तैयार करें। तो दूसरी वीडियो की लिंक हम आपको डाल देंगे, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आप अपने पौधे को चारों तरफ से अच्छी तरह दबा दें, जिससे आपका पौधा इधर बिधर नहीं और इसमें जो हवा है वह नहीं रहे और आपका पौधा सूखे नहीं। एयर टाइट मिट्टी को आप इसको दबा दें और उसी के साथ साथ जैसा कि पानी का भराव इसमें रहेगा, साथ ही साथ जो कोकोपीट भी इसमें है तो उससे जो रूट हैं उन पर पानी का जो भराव रहेगा, तो फंगस से आप अपने पौधे को किस प्रकार बचाएं, क्योंकि फंगस लगने के चांस इस पौधे में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंगीसाइड का उपयोग कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी का फंगीसाइड ले सकते हैं, बेस्ट फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, या आप नीम खली का उपयोग भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा फंगीसाइड ले रहे हैं और इसको इसमें डाल रहे हैं। फंगीसाइड लेने के बाद आप इसको अच्छी तरह से चला लें और अपने पौधों में डाल दें। इस प्रकार आप अपना अमरूद का पौधा लगाएं और फंगस से बचा सकते हैं अपने अमरूद के पौधे को, इस प्रकार इसमें डाल दें।
ये हमारा एक साइड से थोड़ा लीक है, तो इसको इस प्रकार घुमा लें आप। इस प्रकार आप इसमें जो फंगीसाइड डालकर घोल कर कर पानी के साथ साथ दे सकते हैं। इस प्रकार आप दोस्तों अमरूद का क्लोन विधि द्वारा, एयर लेयरिंग विधि द्वारा, गोटी विधि द्वारा अमरूद का पौधा लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार क्वालिटी का अमरूद का पौधा है। और अब ये हमें तुरंत ही जैसा फल देना स्टार्ट होगा, अमरूद में अब फ्लावरिंग आएगी, उस समय ये हमें फल देना स्टार्ट कर देगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।